नमस्कार बच्चों, आज अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट्स। जब शुरू में हमने पढ़ा था कि लेखांकन की है वो तीन स्टेप होते हैं अकाउंट के। फर्स्ट स्टेप में हमने प्राइमरी बुक्स करी थी, सेकंड स्टेप में क्लासिफिकेशन किया था, और ये अपना जो है वो लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, जिसमें अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो फाइनल जो अकाउंट होते हैं, फाइनल अकाउंट में तीन प्रकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी फाइनल वित्तीय लेखांकन वित्तीय विवरण रखे जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे जाते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, और बैलेंस शीट चिट्ठा। तो फाइनेंशियल अपने फाइनल अकाउंट में तीन प्रकार के अकाउंट हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, तीन फाइनेंशियल आपको स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले आपको बनाना है व्यापार खाता। व्यापार खाते में डेबिट साइड में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो प्रत्यक्ष होते हैं, जो सीधे माल से रिलेटेड होते हैं, जैसे इसमें परचेज आ जाएगी, लेस परचेज रिटर्न आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, या फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में सारी डायरेक्ट इनकम यानी सेल्स आएगी, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इसमें क्रेडिट में क्या आएगा, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आएगा। जब क्रेडिट साइड अपने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, उसमें से डेबिट साइड को जब लेस करेंगे, तो अपना इसका जो डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, अपने सकल लाभ। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होएगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो हमें ग्रॉस लॉस होएगा। तो हमें क्या होएगा, ग्रॉस लॉस होएगा। फिलहाल अपने मान लेते हैं कि अपने क्रेडिट, अधिकतर ही होगा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो अपने क्या आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ से जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे अपने। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आएंगे, और क्रेडिट साइड में सारी इनकम आएगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या इनकम ये वो होती हैं जो जब माल गोदाम में आ जाता है, दुकान पर आ जाते हैं, उसके बाद के जो सारे एक्सपेंसेज या सारी इनकम होती है वो क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेज कहलाती है। वो क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेज कहलाती है। जब अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से इनकम को तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और उसमें एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो अपना नेट प्रॉफिट बचेगा, और इसे बोलते हैं शुद्ध लाभ। जिसे क्या बोला जाता है, शुद्ध लाभ बोला जाता है। और ये शुद्ध लाभ जो बचेगा वो अपने क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, उस कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट को क्या करोगे, कैपिटल में ऐड कर दोगे। तो सबसे पहले हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनेगी अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले दो साइड होगी इसकी, एक तो लाइबिलिटीज साइड, एक असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आएगी और सारी लाइबिलिटीज आएगी, और असेट साइड में बिजनेस की सारी असेट्स आएगी। और ये जो हमने नेट प्रॉफिट है वो क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से अपने इन दोनों बैलेंस शीट का जो दोनों साइड का टोटल है वो हमारा इक्वल आएगा, और अगर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक करी है। तो आपको क्या करने हैं, तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं फाइनल अकाउंट में। व्यापार खाता, जिसमें आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम यानी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इसका डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट इनकम और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगी, जिससे हमारा क्या ज्ञात होएगा, नेट प्रॉफिट ज्ञात होएगा। नेट प्रॉफिट को अपने क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। फिर उसकी सहायता से क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट में जो ये प्रॉफिट ऐड करो कैपिटल में, एक साइड सारी लाइबिलिटीज और कैपिटल आएगी, एक साइड सारी असेट्स आएगी। कैपिटल लाइबिलिटीज और असेट्स का जो टोटल है दोनों साइड का वो इक्वल आएगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्या प्रारूप होएगा।
तो इसमें पहले अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले पहले ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ अपने, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे लिखना क्या है, फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च, जब साल क्या होगा अपना समाप्त होएगा 2000 मान लो 18 है, जो भी ईयर ऊपर लिख देंगे। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है, पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है, यानी व्यापारी के पास जो बिना बिका माल रह जाता है वो पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक लिखोगे और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आएगा टू परचेज अकाउंट, फिर यहाँ पे परचेज आएगी, जो आपने माल का क्रय किया वो यहाँ पे आएगा। लेस उसमें से क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, यानी परचेज में से क्या करोगे, परचेज रिटर्न को लेस कर दोगे। यानी सबसे पहले क्या है अपना, ओपनिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग स्टॉक में नीचे क्या आ गई, परचेज आ गई, लेस उसमें क्या करेंगे, परचेज रिटर्न कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, परचेज आ जाएगी, लेस परचेज रिटर्न आ जाएगा। क्रेडिट साइड में देखो क्या आएगा, बाय, सबसे पहले इसमें आएगा बाय सेल्स, यानी आपने जो माल की बिक्री की है वो आएगा यहाँ पे टोटल, चाहे आपने नगद माल बेचा चाहे उधार बेचा, टोटल यहाँ पे माल की बिक्री आएगी, बाय सेल्स आएगा। लेस इसमें से आपको करना पड़ेगा, लेस सेल्स रिटर्न, लेस क्या करोगे इसमें से, सेल्स रिटर्न करोगे। तो सेल्स में से क्या करोगे आप, सेल्स रिटर्न को लेस कर दोगे, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी। तो पहले सबसे पहले क्या आ गया, इधर ओपनिंग स्टॉक आया, फिर परचेज आई, उसमें से लेस रिटर्न किया, इधर सेल्स में से सेल्स रिटर्न कर दिया। क्रेडिट साइड में इसमें एक चीज ही हो रहा है कि वो आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा माल होता है, जो वर्ष के अंत में बिना बिके रह जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। बाकी इसमें आएंगे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो माल को क्रय करके और उसे अपनी गोदाम या दुकान तक लाने के जो सारे खर्चे होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके नाम दिए हो सकते हैं, जैसे वेजेस हो गया, कैरिज इनवॉल्व हो गया, कस्टम ड्यूटी होगी, इम्पोर्ट ड्यूटी होगी, कार्टेज हो गया। यानी उसी इतना ध्यान रखो कि माल को खरीद कर अपने गोदाम तक लाने का जो सारा खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब क्या करेंगे देखो, इसका पूरा टोटल लगाएंगे, तो दोनों साइड का टोटल है लगा के, जो डिफरेंस आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। इसका मान लो पहले क्रेडिट साइड लगभग ज़्यादा होगा, तो पहले जैसे क्रेडिट का टोटल करेंगे,
क्या करोगे, क्रेडिट का टोटल इसका डिफरेंस लिखोगे टू, यहाँ पे जो ग्रोस इसका डिफरेंस है वो ग्रोस टोटल बराबर करना है ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा। और यहाँ पे लिखना क्या है वो हमने बताया था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रोस प्रॉफिट, और उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आएगा, यहाँ पे लिखना क्या है, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दोगे, इसका इक्वल टोटल आ जाएगा। दोबारा देखो, जब आप ट्रेडिंग करो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाना है, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा कब, साल के अंत में बनेगा। तो अपना वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, तो मान लो 31 मार्च को बनेगा आपको, अगर क्वेश्चन में आपको 31 दिसंबर दे दिया तो आपको 31 दिसंबर ही लिखना है, बाकी मान लो कि 31 मार्च को ही बनता है ये। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद आ गया परचेज, परचेज में से क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को लेस करेंगे, तो परचेज में से क्या करोगे आप, परचेज रिटर्न को लेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्रेडिट में आएगी सेल्स, और सेल्स में से क्या करना आपको, सेल्स रिटर्न को लेस करना है, सेल्स में से क्या करना आपको, सेल्स रिटर्न को लेस करना है। तो ये क्या गया अपना, एक्चुअल सेल्स नेट सेल्स मानी जाएगी, ये नेट परचेज माना जाएगा। उसके बाद इसके डेबिट में आएंगे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो माल को क्रय करने से लेकर अपने गोदाम तक के सारे खर्चे होते हैं वो आपके सारे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जैसे वेजेज हो गया, कैरिज इनवर्ड हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, ये इसके अलावा बहुत सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसे अपने माल को गोदाम से लाने से पहले पहले लगा देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं अपने, उन्हें अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। क्रेडिट में आ गया क्लोजिंग स्टॉक, तो मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग में बता दिया, ओपनिंग तो वो होता है जो शुरू में माल पड़ा रहता है अपनी दुकान में, यानी पिछले साल का बिना बिका माल जो इस साल में हम शुरू में लाए थे वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, और इस साल के एंड में जो बिना बिका रह गया वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब इसका डिफरेंस निकालना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे टू ग्रोस प्रॉफिट नहीं लिखना, इस ग्रोस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, फिर क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस लिखने के बाद आपको इतना करना है, ये ग्रोस प्रॉफिट हो गया, और ट्रांसफ़र नीचे लिखना है भी हमने इसको पी एंड एल में ट्रांसफ़र किया है, तो करोगे ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पी एंड एल अकाउंट। क्या लिखोगे, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पी एंड एल अकाउंट। अगर मान लो डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा, तो आपको इधर लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नीचे ग्रोस लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रोस लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्या हो गया आपका, ग्रोस लॉस हो गया, तो ग्रोस लॉस है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और ग्रोस प्रॉफिट है तो आपको डेबिट में लिखना है। या तो लॉस होएगा, प्रॉफिट कब होएगा, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होएगी, और लॉस कब होएगा, जब डेबिट साइड ज़्यादा होएगी। तो क्रेडिट जोड़ के उसमें क्या करेंगे, डेबिट वाले अमाउंट लेस कर देंगे, तो अपना ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, और ग्रोस प्रॉफिट है वो अपना ही मान लो कि कच्चा लाभ होता है, ये रियल लाभ नहीं होता, रियल लाभ वही होएगा जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के और अपने नेट प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, नेट प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, तो वो क्या आएगा अपना, नेट प्रॉफिट आपका रियल लाभ कहलाता है, जिसे आप बैलेंस शीट में पी एंड एल में ऐड कर देते हो। तो इस तरह से आपका यह ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। तो आज तो इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे, इससे आगे इसी का एग्जांपल करेंगे। धन्यवाद।